वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज. फर्स्ट टू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डन. टुडे स्टूडेंट्स वी विल डू एक्सरसाइज 8.3. ओपन पेज नंबर 171 स्टूडेंट्स. यस ओपन. फर्स्ट क्वेश्चन, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस. ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस. फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास फोर पार्ट्स गिवन है, फोर ट्रांजैक्शंस गिवन है अलग अलग पार्ट्स में. आपको ये बताना है कि किस में प्रॉफिट होगा और किस में लॉस होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास? सीपी. यस कॉस्ट प्राइस. कोई भी आइटम आप जिस भी प्राइस पे किसी भी चीज को परचेज करते हैं, दैट इज द कॉस्ट प्राइस. वो क्या होता है आपके पास? कॉस्ट प्राइस. बाइंग, कोई भी चीज आपने बाय करनी है, यस आप उसको सपोज कोई टॉय, आप मार्केट गए और आप टॉय परचेज करके लाए, उसका कॉस्ट था रुपीज 100. 100 रुपीज में आपने एक कार टॉय परचेज किया, दैट इज द कॉस्ट प्राइस. कोई भी आइटम को हम जिस प्राइस पे खरीदते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस. सीपी शॉर्ट फॉर्म क्या है कॉस्ट प्राइस का? सीपी. यस. सेलिंग प्राइस क्या होता है स्टूडेंट्स? सेलिंग प्राइस, बुक सेलर है और वो नोटबुक को, ठीक है, कोई बुक सेलर है वो नोटबुक को 30 रुपीज में सोल्ड आउट करता है, 30 रुपीज में बेचता है, तो वो उसके लिए क्या होता है नोटबुक का? एस पी. सेलिंग प्राइस मतलब एस पी, शॉर्ट फॉर्म है इसका एस पी. एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई आपके पास टॉयज की शॉप है, ठीक है, टॉय की शॉप है कोई, आप मार्केट गए टॉय परचेज करने के लिए, आपने रुपीज 800, ठीक है, कोई अच्छा सा टॉय परचेज किया, कोई गन परचेज की, गन टॉय परचेज की, ठीक है, 800 रुपीज, तो आपने उसे खरीदा है 800 रुपीज, वो आपके लिए 800 रुपीज, आप उसका आपके लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस उसका है. और एसपी सेलिंग प्राइस, शॉपकीपर ने उसे आपको बेचा है कितने रुपीज में? 800 रुपीज में, तो वो शॉपकीपर के लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स? सेलिंग प्राइस. सोल्ड आउट किया उसने 800 रुपीज में, वो उसके लिए क्या हो गया? एस पी. ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स कोई भी आपने मार्केट से टॉय गन 800 रुपीज में परचेज की और आपने अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है, रुपीज 1000 में वो सोल्ड आउट कर, आप मार्केट गए आपने 800 रुपीज में टॉय गन परचेज की, ठीक है, और आपने उसे 1000 रुपीज में जो है अपने किसी फ्रेंड को सोल्ड आउट. अब आपके पास कितने रुपीज बच गए? आपने तो 800 में खरीदा था, 1000 में उसको बेच दिया, कितने रुपीज आपके पास बच गए? यस दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. तो वो क्या हुआ आपके पास? प्रॉफिट कितने रुपीज का? 1000 माइनस 800 कितने रुपीज का? रुपीज 200. यस, तो प्रॉफिट कब होगा आपके पास? अगर आपके पास एस पी ग्रेटर है सी पी से, कोई चीज कम में खरीदी है और ज्यादा में बेच दी, तो ऑलवेज क्या होगा? प्रॉफिट. तो क्या होगा स्टूडेंट? प्रॉफिट. ठीक है, यस. अब आपके पास सेम अगर लॉस की बात करें, यस लॉस देखिए, इफ सी पी इक्वल्स टू एस पी, अगर सी पी एस पी के इक्वल तो ना तो प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस. इफ यस एस पी ग्रेटर है सी पी से, एस पी क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेटर है, ठीक है, सी पी से. कम में खरीदा था ज्यादा बेचा, तो क्या हुआ इस केस में स्टूडेंट्स? प्रॉफिट. इस केस में क्या होगा अभी मैंने आपको बताया है, यस प्रॉफिट. और कैसे फाइंड आउट करेंगे आप प्रॉफिट को?
कोई चीज आपने ठीक है ज्यादा में खरीदी थी, कोई शॉपकीपर है उसने कोई भी आपके पास आइटम है ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो क्या होगा लॉस। उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉस। और लॉस यस, लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सीपी माइनस एस। लॉस कैसे फाइंड आउट होगा स्टूडेंट्स, यस सीपी माइनस एसपी। कोई भी एग्जांपल है स्टूडेंट्स आप ले लीजिए, नोटबुक का एग्जांपल ले लेते हैं हम। यस शॉपकीपर ने सपोज स्टूडेंट्स शॉपकीपर ने 200 रुपीज में 2000 रुपीज ठीक है एक वाटर बॉटल जो है वाटर बॉटल का कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज और उसको उसने सोल्ड आउट किया है रुपीज 1000। 2000 में शॉपकीपर ने उसे खरीदा था, 1000 जो उसने किसी कस्टमर को उसे सोल्ड आउट किया, तो उसे क्या होगा इसके लॉस होगा। इट इज ग्रेटर है इट इज यस लेस, 2000 रुपीस में उसने अपने 2000 रुपीस स्पेंड किए और वो 1000 में सोल्ड आउट, तो इसके इसमें क्या होगा लॉस। तो लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सीपी माइनस एस कितना है, 2000 माइनस 1000 रुपीस का क्या हो गया लॉस। यस ये 2000 रुपीस में फाइंड आउट कर, और स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस पे ही ऑलवेज लॉस और प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 ऑलवेज जो आपके पास प्रॉफिट है वो किसके ऊपर होता है कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही लॉस परसेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला इसको यूज करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। यस फर्स्ट क्वेश्चन, फोर ट्रांजेक्शंस गिवन है ना, आपको चेक करके बता रहे हैं कि किस केस में लॉस होगा किस केस में क्या होगा प्रॉफिट। फर्स्ट पार्ट, गार्डनिंग शेयर्स बॉट रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325, कितने रुपीज में बॉट किए 250 रुपीज में और कितने रुपीज में सोल्ड आउट किए 325। यस तो सीपी क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका रुपीज 250, एसपी रुपीज 300। अब इस केस में सबसे पहले हमने यही ऑब्जर्व करना है विच वन इज ग्रेटर, एसपी बड़ा है यस एसपी ग्रेटर है सीपी से। अगर एसपी आपके पास ग्रेटर होता है तो क्या होता है प्रॉफिट होगा यस, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सी। एसपी कितना है रुपीज 325 माइनस 250 रुपीज 75, कितना हो आपके पास रुपीज 75। प्रॉफिट परसेंट अब आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। यस अब प्रॉफिट अपॉन सीपी ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट परसेंट रुपीज 75, सीपी कितना स्टूडेंट्स 250 रुपीज 250 मल्टीप्लाई 100। यस 0 से 0 पर 25 बन जा 25, 25 थ्री जा 75, 3 × 10 30% आपके पास आ गया प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यस नेक्स्ट पार्ट बी है आपके पास स्टूडेंट्स, अ रेफ्रिजरेटर बॉट रुपीज 12000 एंड सोल्ड एट
13,005। आपको ये रेफ्रिजरेटर है उसको कितने रुपीज में परचेज की है, सीपी क्या है ₹12,000 एंड एसपी ₹13,500। 12,000 रुपीज में परचेज किया, 13,500 में बेच दिया। एसपी स्टूडेंट्स ग्रेटर है आपके पास, यस एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो क्या प्रॉफिट होगा, यस। कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी 13,500 माइनस 12,000 तो ये कितना आया आपके पास 1500 रुपीज आया 1500। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट पर्स, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, यस। क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट 15,000 डिवाइडेड बाय ऑलवेज बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस 15,000 सॉरी इट्स 1500 यस सॉरी इट्स 1500 12,000 मल्टीप्लाई 100 2 0 से 2 0 कट 0 से 0 कट। अब ये स्टूडेंट्स देखिए 3 से कट जाएगा 3 4 12 3 5 15 अगेन 2 से कट कर दे 2 2 4 2 2 4 2 5 10 तो ये प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 25/2 और ये आ जाएगा 12.5%। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी, यस यस ओके क्लियर स्टूडेंट, पार्ट ए एंड बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखिए पार्ट डी में क्या हुआ है, दिस इज द आंसर 40%
लॉस. क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर वन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू. कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज. हर एक पार्ट को आपने किसमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स? रेशियो. यस, दिस इज पार्ट सी इन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर वन. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट पार्ट में आपके पास रेशियो गिवन है 3:1. अब इसमें हर एक जो पार्ट है उसको रेशियो वाला जो भी पार्ट दिया है उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. परसेंटेज, यस. इसको इस तरह से देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन लाइक दिस. कोई चॉकलेट है और उसके फोर पार्ट, 1, 2, 3, 4, और ये दिस इज द फर्स्ट थ्री पार्ट, 3 एंड रेशियो, एंड दिस विल बी 1. कोई चॉकलेट है तो टोटल पार्ट्स कितने हैं चॉकलेट के? 3 + 1, 4 पार्ट्स हो गए. सबसे पहले आप क्या है कि ये स्टूडेंट्स टोटल पार्ट्स 3 + 1 = 4. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ईच पार्ट कन्वर्ट इनटू द परसेंट. ईच पार्ट मतलब इस वाले पार्ट को भी और इस पहले इस वाले पार्ट का फ्रैक्शन बनाएंगे हम, ठीक है, और फिर इस वाले पार्ट का फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो 3:1 टोटल पार्ट्स आपने क्या करना है? सम ऑफ रेशियो, जो भी रेशियो गिवन होगा उसको क्या करना है? सम प्लस कर देंगे. यस. नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या है? 3, तो पहले फ्रैक्शन 3/4. ये 3 पार्ट्स है ना, और टोटल कितने हैं? 4. फ्रैक्शन बन गया कन्वर्ट इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100. यस. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 4 से कट गया, मैंने 4 × 2 = 4, 5 = 8. ये आ गया आपके पास 75. दिस इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट. परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट, यस, कितना आया स्टूडेंट्स? 1/4 × 100, 4 से कट गया. 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 25. मतलब फर्स्ट पार्ट जो है टोटल का थर्ड पार्ट था, परसेंटेज में कितना आया? 25. सेकंड कितना आया? 75% थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग, और जो फर्स्ट एक पार्ट है टोटल फोर्थ का, ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल, दैट इज इक्वल्स टू 25%. पार्ट बी, इसमें आपके पास रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स 2:3:5. अगेन यू हैव फाइंड आउट टोटल पार्ट्स, सम ऑफ ऑल द रेशियोज 2 + 3 + 5 = 10. सो फर्स्ट आ जाएगा परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, कितना होगा? 2/10 × 100. 0 से 0 कट के कितना आ गया स्टूडेंट्स? 20%. परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट 3/10 × 100 इट्स इक्वल्स टू 30%. परसेंटेज ऑफ थर्ड, थर्ड पार्ट का कैसा आएगा? ये 5 है, फ्रैक्शन बनेगा 5/10 × 100. 0 से 0 कट के कितना आया स्टूडेंट्स? 50%, 20%, 30%, 50%. दीज आर द यस आंसर्स. यस, दिस इज पार्ट ए एंड बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपके पास है टोटल पार्ट्स सेम मेथड 1 +
इक्वल्स टू 20%, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई 105 से कट करेंगे, 5 × 5 = 10, 0, 4 × 8 = 18 पास। क्लियर फ्रेंड्स, पार्ट डी अब आपके पास है, सेकेंड क्वेश्चन पार्ट डी। गिवन रेशियो है उसमें 1:2:5, यस। अगेन टोटल पार्ट्स, सम ऑफ रेशियो 1+2+5 इक्वल्स टू 8। फर्स्ट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना है, 1/8 मल्टीप्लाई 100 कट कर लीजिए, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 8, ये कितना है फ्रेंड्स 25/2। अब इसको आप यस डेसिमल में चेंज कर लीजिए, आएगा 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 5, 12.5%। एक तो ये आ गया आपके पास, सेकेंड हमारा यस होगा परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, क्या बनेगा सेकेंड का फ्रैक्शन 2/8 मल्टीप्लाई 100। अगेन 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, ये आया आपके पास 25 प्लस, यस। एंड पार्ट सी, यस स्टूडेंट्स, थर्ड परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड का क्या बनेगा फ्रैक्शन 5/8 मल्टीप्लाई 100, 4 × 2 = 4, 5 = 20, 25 × 2 = 125/2%। अब इसको आप डेसिमल में कर लीजिए, ये हो जाएगा 62.5, यस, ये आ गया आपके पास 62.5%, यस। क्लियर स्टूडेंट, दीज आर द आंसर, 15%, 12.5%, 62.5%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है यस जिसमें आपके पास रेशियो गिवन है और आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करा है ईच पार्ट, तो इसी तरह से चाहिए सम ऑफ रेशियो एंड देन फ्रैक्शन देन मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500। कोई एक शहर है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है, पहले थी 25,000, फिर कम होगी कितनी होगी 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, क्या फाइंड आउट करना है आपको कि कितनी डिक्रीज हुई है। थर्ड क्वेश्चन, यस, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉपुलेशन था 25,000 और फाइनल डिक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन कितना है 24,005। कितनी डिक्रीज हो गई है फ्रेंड्स, 500 डिक्रीज हो गई है, यस, 25,000 माइनस 24,005। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिक्रीज परसेंटेज, यस। फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, देखो ये तो पहले पॉपुलेशन थी इनिशियल पॉपुलेशन, कम होने के बाद इतनी हुई है, क्या फाइनल जो है अब एट दिस टाइम, तो ये कितना डिफरेंस आया दोनों में, कितनी डिक्रीज होगी 5। तो आपके पास ये डिक्रीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिक्रीज डिवाइडेड बाय जो आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100, क्या हो जाएगा ये आपके पास, ये 500 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई, ये ऐसे जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉफिट है या लॉस है ऑलवेज बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस सीपी, ऐसे ही चाहे डिक्रीज हो रहा हो या इंक्रीज हो रहा हो इनिशियल पर ही होगा जो स्टार्टिंग में।
ये आपके पास 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, 25 25 25 टू जा 50, ये तो कितना आया 2%। आंसर आया आपके पास 2% जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स वो क्या हुई आपके पास डिक्रीज, 2% पॉपुलेशन आपके पास क्या हो गई है यस डिक्रीज। क्लियर हो गया फ्रेंड्स आंसर यहाँ राइट 2% पॉपुलेशन डिक्रीज होगी 500 डिवाइडेड बाय 1000 यस क्लियर। नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। अरुण बॉट अ कार फॉर रुपीज 3,50,000। अरुण ने कार परचेज की 3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू रुपीज 3,70,000। नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस जो है अप हो गया बढ़ गया कितना हो गया 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज यस कितना जो है प्राइस बढ़ गया स्टूडेंट्स ये बताना है। इनिशियल आपके पास प्राइस क्या है यस फोर्थ क्वेश्चन इनिशियल प्राइस 3,50,000 रुपीज। फाइनल प्राइस अब बढ़ गया दैट इज द फाइनल प्राइस रुपीज 3,70,000। कितना इंक्रीज हो गया माइनस करने की दोनों को ये 20,000 3,70,000 माइनस 3,50,000 तो ये कितना हो गया आपके पास 20,000 यस ये इतना प्राइस जो है वो इंक्रीज है। अब आगे इंक्रीज परसेंट कैसे फाइंड आउट होगा स्टूडेंट्स कितना इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल 3 लाख यस 3,50,000 मल्टीप्लाई 100। अब ये 40 से 40 कट 5 से यस 5 से बन जा 35 5 टू जा 10 0 40 बाय 7 इसको आप मिक्स में कर लीजिए 7 5 जा 35 5 5 बाय 7% जो है वो क्या हो गया यस इंक्रीज हो गया प्राइस। क्लियर स्टूडेंट्स तो अभी मैंने फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं एक्सरसाइज 8.3 के आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो स्टूडेंट हम डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं यस और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं सॉरी मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ अब आप होमवर्क करके मुझे सेंड करें। Thank you.